पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पहुंचे बाबा रामदेव, भूपेंद्र हुड्डा परिवार को दिया सांत्वना, दिवंगत धर्मेंद्र हुड्डा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। आईडी थोड़ी सी नीचे नीचे रखो, आईडी नीछे रखो, पीछे छोड़ छोड़ दो यार, छोड़ नीचे रख, नीचे नीचे हुड्डा परिवार के साथ में चौधरी रणवीर जी से, हुड्डा परिवार के साथ में चौधरी रणवीर सिंह जी से लेकर के और भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, कई पीढ़ियों का हमारा संबंध है, हमारे गुरुजी का भी संबंध रहा। और आज जब परिवार में धर्मेंद्र का स्वर्गवास हुआ है तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ। हुड्डा परिवार ने देश की आज़ादी के आंदोलन से लेकर के, भूपेंद्र हुड्डा जी के पिताजी 8 बार जेल गए और जितने भी आज़ादी के आंदोलन चले उसमें भी एक बहुत बड़ी भूमिका इस परिवार ने निभाई, इसलिए मैं इस परिवार को स्वतंत्रता सेनानी परिवार मानता हूँ। और विचार की दृष्टि से, महर्षि दयानंद के विचारों से, आर्य समाज के विचारों से यह परिवार जुड़ा हुआ है और मैं भी महर्षि दयानंद और आर्य समाज के गुरुकुल में पढ़कर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए एक विचार, एक संस्कार और एक ध्येय है कि हम देश के लिए क्या अच्छा कर पाएँ, इसलिए इस परिवार के साथ मेरा एक आत्मीय संबंध है। इस वजह से आज परिवार में हुड्डो को श्रद्धांजलि देने के लिए और आदरणीय श्री भूपेंद्र हुड्डा जी और पूरे हुड्डा परिवार के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए और इसको ढांढस बंधाने के लिए। राम मंदिर को लेकर जिस तरह से, अब राम मंदिर का रास्ता तो साफ हो चुका है और देश में शांति, सद्भावना, एकता कायम है और सारा देश स्वर से कह रहा है कि हम संविधान में आस्था रखते हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, न्यायालय में आस्था रखते हैं और मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जीवन धर्म से चलता है लेकिन देश तो संविधान से चलता है। और आंतरिक रूप से हमारे जीवन में अध्यात्म हो, हमारे आचरण की श्रेष्ठता हो और इसलिए हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी है और गुरु नानक देव जी ने किरत करो, बटके छको और नाम जपो, ये संदेश दिया इस मानवता को और सब प्रकार के भेदभावों से दूर रह करके कि हम एक ईश्वर के, एक नूर थे सब जग उपजा कौन भले को मंदे, हम एक ईश्वर की संतान, एक धरती माता भारत माता के एक ही पूर्वजों की संतान है, सब मिलजुल करके रहें। इस संदेश की आज उतनी आवश्यकता है जितने की गुरु नानक देव जी का जब प्राकट्य हुआ था तब थी। महाराष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी भी राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, एक महाराष्ट्र में अलग बात, किसके बात आज आज जहाँ आए हैं भाई, आराम से रोज ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।